आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। राउत ने कहा कि भाजपा ने मन में ठान लिया है कि राहुल गांधी साल 2024 में पीएम बनने जा रहे हैं। यही नहीं, राउत ने मणिपुर हिंसा पर भी बयान दिया। उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी बात कही। बता दें कि राहुल गांधी 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर गए हुए हैं। वो शिविरों में रह रहे लोगों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करें। उन्होंने भाजपा पर यहाँ भी आरोप लगाया है, बीजेपी वालों को राहुल को मिल रहे लोगों के समर्थन से जलन हो रही है। संजय राउत ने कहा कि मणिपुर हिंसा में चीन की साजिश है, चीन मणिपुर में घुस गया है, उस पर हमला करना चाहिए, सीएम एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। वही बीजेपी के हिंसा को पूर्व निर्धारित कहने पर संजय राउत ने कहा कि अगर मणिपुर की हिंसा प्री प्लान है तो केंद्र सरकार आपकी है, राज्यपाल आपके, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, तो फिर ये किसने प्री प्लानिंग किया है। इसके साथ ही संजय राउत ने सवाल करते हुए आगे कहा कि मणिपुर में हिंसा चीन का हाथ है, तो आपने चीन को क्या सबक सिखाया। मणिपुर के सीएम को लेकर संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 2 महीनों से मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है। वहां रहने वाले लोग दूसरे राज्य में शरण ले रहे, लोग अपना घर बार छोड़कर अलग अलग जगहों पर रह रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया 24/7 लाइव।